अध्याय चार तीर्थ यात्रा कहानी अध्ययन से पूर्व कविता का मूल तत्व अपने सुख का त्याग कर दूसरों के दुख को सुख में परिवर्तित करना ही जीवन का सच्चा सुख है। हेमराज लाजवंती का एकमात्र सहारा था। उसका मुंह देखकर वह अपने सारे दुख भूल जाती थी। इससे पहले उसके कई पुत्र पैदा हुए मगर सब के सब बचपन में ही मर गए। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों सा ही था मगर लाजवंती की आंखों में वैसे बालक सारे संसार में ना था। माँ की ममता ने उसकी आंखों को धोखे में डाल दिया था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए रहती थी, मानो वह दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी कि कहीं उसे किसी की नजर न लग जाए। गांव के लड़के प्राय खेतों में खेलते फिरते थे मगर लाजवंती हेमराज को घर से बाहर न निकलने देती थी, और अगर कभी वह निकल भी जाता तो घबराकर उसे ढूंढने लग जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो बच्चे हैं, तू जरा जरा से बात में यू पागल क्यों हो जाती है। लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। भर्राए हुए स्वर में उत्तर देती, क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है, मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नजर से ना बच सका। प्रातः काल था, लाजवंती दूध दू रही थी। इतने में हेमराज जागा और जागते ही मुंह फुलाकर बोला, माँ। आवाज में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, क्यों हेम, क्या है बेटा, इतना घबराया हुआ क्यों है तू, इस तरह क्यों बोलता है। हेमराज की आंखों में आंसू डब डबा आए। रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द है। बात साधारण थी मगर लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। यही दिन था, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवंती को अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी मालूम होने लगी। जिस तरह विद्यार्थी एक बार फेल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठते समय घबराता है, उसी प्रकार हेमराज के सिर दर्द से लाजवंती व्याकुल हो गई। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। आसपास के गांव में भी उनका बड़ा नाम था। लाजवंती को देखकर उन्होंने पत्र हाथ में रख दिया और आंखों से ऐनक उतार कर बोले, क्यों बेटी, क्या बात है। लाजवंती ने चिंतित होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से। आज ही से, कहता है सिर में दर्द है, बुखार तो नहीं है, मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लेते तो अच्छा होता। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े बदले और लाजवंती के साथ चल दिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुंह से नहीं नहीं कहा मगर हाथों से मुंह का साथ ना दिया। उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयां बदली परंतु किसी ने अपना असर ना दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती थी। लोग आते और धीरज दे देकर चले जाते थे परंतु लाजवंती का मन उनकी बातों की ओर ना दौड़ता था। वह डरी डरी रहती और अपने मन की पूरी शक्ति से हेम की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन उसने वैद्य से पूछा, हकीम जी, आखिर क्या बात है जो ये बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता। वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है,
लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार क्या? आपने मियादी पूरी करके उतरेगा, पर कब उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन तो हो गए हैं, बस 10 दिन और हैं। किसी तरह यह दिन निकाल दो, भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका, हिचकिचाते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं? सच सच बता दीजिए। वैद्य जी थोड़ी देर चुप रहे। इस समय वे सोच रही थी कि उसे सच सच बताएं या ना बताएं। अंत में बोले, देखो बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय में तो हेम के पिता को बुलवा लो तुम। लाजवंती सहम गई। रेत के स्थलों को मीठे जल की नदी समझकर जब हिरण पास पहुंचकर देखता है कि नदी अभी तक उतनी ही दूर है, तो जो दशा उसके मन की होती है वही दशा इस समय लाजवंती की हुई। उसे आशा नहीं, निश्चय हो गया था कि हेम एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, फिर उसी तरह खेलता फिरेगा, फिर उसी तरह नाचता फिरेगा। माँ देखेगी, खुश होगी, लोग बधाइयाँ देंगे। मगर वैद्य की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। आशा के साथ निराशा भी सामने आकर खड़ी हो गई। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था, उसने उसे तार भेजा। वह 30 दिन पहुँच गया। इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा, यहाँ तक कि 10 दिन और बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए, सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा? वैद्य ने आकर नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल दवाइयां संभाल कर बेटे के सिरहाने बैठ गया, परंतु लाजवंती के हृदय को चैन न था। उसने संध्या समय थाल में घी के दीपक जलाए और मंदिर की ओर चली। इस समय उसे आशा अपने पूरे जीवन शक्ति के साथ सामने नाच करती हुई दिखाई दी। लाजवंती मंदिर पहुंची और देवी के सामने देर तक रोती रही। जब थक कर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो जाता है। उसे ऐसे लगा कि मानो कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मौन कर लिया है। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोध से कांपते हुए स्वर से मनौती मानी, देवी माता मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। यह मनौती मानने के बाद लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर किसी ने कोई बोझ हटा दिया है, जैसे उसका संकट चल गया है। मैं निश्चिंत हो गई कि अब उसके हेम को कोई भय नहीं है। लौटी तो उसके पांव जमीन पर ना पड़ते थे, उसके हृदय सागर में आनंद की तरह तरंगे उछ रही थी। वह दौड़ते हुए घर पहुंची तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और आंखों में आशा की झलक। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा की मनौती मान आई हूँ। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक ना ठहरने दिया। उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपए का क्या है, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है, परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वे जीता रहे, यही हमारी दौलत है। लाजवंती ने स्वामी को सुला दिया और आप रात भर जागती रही। प्रभात हुई तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया था। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी, जैसे संध्या के समय गाय के स्तनों से दूध की बूंदें टपकने लगती है। वैद्य जी ने आकर देखा तो उनका मुंह भी चमक उठा, अभिमान से सर उठाकर बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया है। लाजवंती ने हेम के कमजोर देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया है? वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोला, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है, मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। उसने मरे हुए पति को जिंदा किया था, तुमने
पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। तुम यदि दिन रात एक ना कर देती तो हेम का बचना असंभव था। यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। बच्चा बच्चा नहीं, दूसरी बार पैदा हुआ है। रामलाल के होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक। उसके सातवें दिन पे वे अपनी नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बीत गए, लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। अब उसके मुख पर वही आभा थी, आंखों में फिर वही चमक, दिल से फिर वही खुशी। हेम आंगन में इस तरह चहकता फिरता था जैसे फूलों पर बुलबुल चहकती है। लाजवंती उसे देखती तो फूले न समाती थी। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले की रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। झांझे और करताले बज रहे थे, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थी, बजाती थी, शोर मचाती थी। दूसरी तरफ कहीं पूड़ियां बन रही थी, कहीं हलवा। उनकी सुगंध से दिमाग तर हुए जाते थे। लाजवंती उधर से इधर दौड़ी फिरती थी, मानो उसके यहाँ ब्याह हो। लोग खा पी कर आराम करने लगे। जो बचा हुआ था वे गरीबों में बांट दिया गया। लाजवंती ने लोगों को विदा किया और चलने की तैयारी में लगी। उसने टीन के एक बक्से में जरूरी कपड़े रखे, एक बिस्तर तैयार किया, गले में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया, गौ एक पड़ोसन को सौंप दी और उससे बार बार कहा, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ मगर मेरा मन अपने गांव में रहेगा। सहसा किसी की सस्की भरने की आवाज सुनाई दी। लाजवंती के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई ना दिया। इस समय सारा गांव सुख स्वप्न में बेसुध पड़ा था। इस समय यह सिसकी भरने वाला कौन है, यह सोचकर लाजवंती हैरान रह गई। वे आंगन में निकल आई और ध्यान से सुनने लगी। सिसकी की आवाज फिर सुनाई दी। लाजवंती छत पर चढ़ गई और पड़ोसन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर एक चारपाई पर से उत्तर मिला, कौन है? लाजवंती। आवाज में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती जल्दी से नीचे उतर गई और हरो के पास पहुंची कर बोली, माँ क्या बात है, तू रो क्यों रही है? हरो सचमुच रो रही थी, परंतु अपना रोना लाजवंती के सामने कहते हुए उसके नारी दर्प को बट्टा लगता, इसलिए अपनी वास्तविकता अवस्था को छुपाते हुए बोली, कोई बात नहीं है, तू रो क्यों रही है? हरो के रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया। लाजवंती ने फिर पूछा, अरे बात क्या है जो तू इस समय रो रही है? मैं तेरी पड़ोसन हूँ, मुझसे मत छिपा। हरो ने कुछ उत्तर ना दिया। वे सोच रही थी कि इसे बताऊं या ना बताऊं। प्रभात हो चला था, कुछ कुछ प्रकाश निकल आया था। लाजवंती चलने के लिए आतुर हो रही थी, मगर हरो को क्या दुख है, ये जाने बिना चले जाना उसके लिए कठिन था। उसने तीसरी बार फिर पूछा, माँ बता दो ना, तुम्हें क्या दुख है? हरो ने दुखी होकर पूछा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी? हो सका तो जरूर कर दोगी, यह असंभव है, संसार में असंभव कोई बात नहीं, भगवान सब कुछ कर सकता है। हरो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुंवारी बेटी का दुख खा रहा है, रात रात भर रोती रहती हूँ, जाने यह नाव कैसे पार लगेगी। यह क्यों, उसके ब्याह का खर्चा तो हमारे चेट ने देना मंजूर कर लिया है, ऐसा भाग होते तो रोने काहे का था। लाजवंती ने अकुल लाकर बोला, तो क्या यह झूठ है? बिल्कुल झूठ भी नहीं, उसने 200 रुपए के गहने कपड़े बनवा दिए हैं, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता यह है कि बारात आएगी, उसके सामने क्या धरूंगी? बाराती मिठाई मांगेंगे, पूड़ियां मांगेंगे, हलवा मांगेंगे, यहाँ सत्तू खिलाने की भी हिम्मत नहीं। यह सोच सोच कर सूखती जाती हूँ। लाजवंती ने कुछ सोच कर उत्तर दिया, क्या गाँव के लोग एक गरीब कन्या का ब्याह नहीं कर सकते? और यह उनकी दया न होगी, उनका धर्म होगा। हरो की आंखें भर आई। वह इस समय गरीब थी, परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। लाजवंती के प्रस्ताव से दुख हुआ, जैसे नया नया भिखारी गलियां सुनकर जमीन पर गड़ जाता है। उसने धीरे से कहा, बेटी मुझसे भी तो यह अपमान ना देखा जाएगा, परंतु इस तरह तो गाँव भर की नाक कट जाएगी। हरो ने बात काट कर कहा, मैं भी तो इसे सहन नहीं कर सकूंगी,
किसी के सामने हाथ फैलाना भी तो बुरा है, तो क्या करोगी? कन्या कुआरी बैठाए रखोगी? भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस है, उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी, ना कोई देखेगा ना कोई बात करेगा। लाजवंती हरो की अवस्था देखकर कांप गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा है कि अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर राख कर देगा। लाजवंती अपने आप को भूल गई। उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने जोश में कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को भोजन भी मिलेगा। तेरी बेटी तेरी ही बेटी नहीं, मेरी भी है। हरो ने वह सुना जिसकी उसे इच्छा थी, परंतु आशा नहीं थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वह सोचती थी, हरिद्वार मथुरा वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय कली की तरह खिल जाएगी, मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वह उसे कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़ कर था। वह दौड़ती हुई अपने घर आई और संदूक में से 200 रुपये लाकर हरु के सामने ढेर कर दिए। यह रुपये जमा करते समय वह प्रसन्न हुई थी, पर इस समय वह उससे भी अधिक प्रसन्न हुई। जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में कहाँ। शब्दार्थ, पाषाण अर्थात पत्थर, परिक्रमा अर्थात चक्कर लगाना, अंदेशा अर्थात संदेह, व्याकुल अर्थात बेचैन, आक्रमण अर्थात हमला, वास्तविक अर्थात सच्ची बात, संकट अर्थात दुख, कृतज्ञता अर्थात आभार प्रकट करना। उच्चारण करें, प्रसन्नता स्नेह परमेश्वर, मुस्कुराहट तीर्थयात्रा, स्वप्न असंभव, हिम्मत अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका कहानी के माध्यम से बच्चों को संवेदनशीलता और त्याग जैसी भावनाओं से परिचित करवाएं। अभ्यास कार्य, जरा बताइए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का, लाजवंती का किसके प्रति अधिक लगाव था? उत्तर, लाजवंती का अपने पुत्र हेमराज के प्रति अधिक लगाव था। ख, लाजवंती ने तीर्थ यात्रा का निश्चय क्यों किया? उत्तर, लाजवंती ने अपने पुत्र के ठीक होने के लिए तीर्थ यात्रा की मनोती मानी थी। ग, हरो क्यों रही थी? उत्तर, हरो को अपनी कुआरी बेटी का दुख खाए जा रहा था, इसलिए वह रो रही थी। घ, लोग वैद्य जी को लुकमान क्यों समझते थे? उत्तर, लोग वैद्य जी को लुकमान इसलिए समझते थे क्योंकि सैकड़ों रोगी उनके हाथों स्वस्थ हुए थे और आसपास के बारे में उनका बड़ा नाम था। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, लाजवंती तीर्थ यात्रा पर क्यों ना जा सकी? उत्तर, तीर्थ यात्रा पर जाने से पूर्व लाजवंती को पता चला कि उसकी पड़ोसन हरो के पास बेटी के ब्याह के लिए पैसे नहीं है। उसने तीर्थ यात्रा के लिए जमा पैसे हरो को दे दिए। यही कारण था कि वे तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकी। ख, लाजवंती की व्याकुलता का क्या कारण था? उत्तर, लाजवंती की व्याकुलता का कारण यह था कि लाजवंती की पड़ोसन हरो बिना कोई बात बताए रोए ही जा रही थी। कई बार पूछने पर भी वे अपनी बात नहीं बता रही थी। ग, अपनी वास्तविक अवस्था को कौन छिपा रहा था और क्यों? उत्तर, लाजवंती की पड़ोसन अपनी वास्तविक अवस्था को छुपा रही थी क्योंकि वह गरीब थी और उसे अंदर ही अंदर अपनी बेटी के ब्याह की चिंता खाए जा रही थी। घ, लाजवंती ने हरो के दुख को किस प्रकार ग्रहण किया? उत्तर, लाजवंती ने हरो की बेटी के ब्याह को लेकर उसकी आर्थिक मदद कर उसके दुख को ग्रहण किया। प्रश्न 3, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, लाजवंती ने वैद्य जी को भेंट की 54, 51, 58, 52। उत्तर, 58। ख, वैद्य जी ने मियादी बुखार की अवधि कितने दिन की बताई? 15 दिन की, 21 दिन की, 10 दिन की, 1 सप्ताह की। उत्तर, 21 दिन की। ग, लाजवंती ने हरो को रुपए ला कर दिए 100, 500, 200, 300। उत्तर, 200। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों से वाक्य प्रयोग कीजिए। क, व्याकुलता। उत्तर, हरो की चुप्पी लाजवंती की व्याकुलता का कारण बनी हुई थी। ख, अंतिम।
उत्तर, मैंने अपना अंतिम गृह कार्य भी खत्म कर लिया। ग, स्वप्न। उत्तर, कल रात मैंने एक स्वप्न देखा। घ, अपेक्षा। उत्तर, हर माता पिता की अपने पुत्र से अपेक्षा रहती है कि वे अपने जीवन में सफल रहे। जरा सोचिए। प्रश्न 5, सती प्रथा मानवता के लिए एक अभिशाप है, कैसे? लिखिए। प्रश्न 6, यदि लाजवंती हरों के दुख का निवारण ना करती तो क्या हरों समाज में दहेज प्रथा जैसी कुरीति का विरोध कर पाती? हाँ तो कैसे, नहीं तो क्यों नहीं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 7, हैंड में कहाँ भाव सहित तुष्टिकरण कर लिखिए, जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों का लिंग निर्धारित कीजिए। क, लाजवंती। उत्तर, स्त्रीलिंग। ख, मानवता। उत्तर, स्त्रीलिंग। ग, रात। उत्तर, पुलिंग। घ, अठन्नी। उत्तर, पुलिंग। ड, बर्तन। उत्तर, पुलिंग। च, यात्रा। उत्तर, पुलिंग। छ, बुखार। उत्तर, पुलिंग। ज, जीवन। उत्तर, स्त्रीलिंग। झ, प्राण। उत्तर, स्त्रीलिंग। ज्ञ, सुख। उत्तर, पुलिंग। ट, प्रभात। उत्तर, पुलिंग। ड, सहानुभूति। उत्तर, स्त्रीलिंग। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों से विशेषण बनाइए। क, ईमानदारी। उत्तर, ईमानदार। ख, ठंड। उत्तर, ठंडा। ग, प्यास। उत्तर, प्यासा। घ, चिंता। उत्तर, चिंतित। ड, जोश। उत्तर, जोशीला। च, नियम। उत्तर, नियमित। छ, नगर। उत्तर, नागरिक। ज, कांटा। उत्तर, कंटीला। प्रश्न 10, दिए गए मुहावरों का अर्थ सहित वाक्य प्रयोग कीजिए। क, आँखों का तारा। उत्तर, अति प्रिय होना। आज हर किसी के जीवन में कोई ना कोई आँखों का तारा अवश्य होता है। ख, अंधेरे घर का उजाला। उत्तर, इकलौता बेटा। वह लड़का उस अंधेरे घर का उजाला था। ग, आंसू पोंछना। उत्तर, धैर्य प्रदान करना। आपत्ति के समय माता पिता की आंसू पोंछता करते हैं। घ, गंगा नहाना। उत्तर, अपना कर्तव्य पूरा करना। रमेश अपनी बेटी की शादी करके गंगा नहा लिया। प्रश्न 11, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक का नाम लिखिए। क, बालक ने अपने पिता को जोर जोर से पुकारा। कर्म कारक। ख, हिराम तेरा ही सहारा है। संबोधन कारक। ग, युक्ति ने वैद्य को अठन्नी भेंट की। कर्ता कारक, कर्म कारक। घ, हरों ने लाजवंती को वास्तविकता बताई। कर्ता कारक, कर्म कारक। प्रश्न 12, दिए गए शब्दों की संधि कीजिए। क, दया जमा आनंद। उत्तर, दयानंद। ख, ने जमा इका। उत्तर, नायिका। ग, सदा जमा एव। उत्तर, सदैव। घ, पर जमा उपकार। उत्तर, परोपकार। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 13, लाजवंती की जगह आप होते तो हरों के साथ कैसा व्यवहार करते? कक्षा में चर्चा कर लिखिए। प्रश्न 14, समाज से किन प्रथाओं को जड़ से मिटाने की आवश्यकता है? प्रत्येक प्रथा का नाम लिखिए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 15, त्याग ही भावना व्यक्तित्व को महान बनाती है। आप अपने व्यक्तित्व से किस बुराई का त्याग करना चाहेंगे?